जुलाई से 5 महीने तक 3 राशियां रहेगी धनवान। माँ लक्ष्मी की पड़ेगी शुभ दृष्टि। जब धन की देवी मेहरबान हो तो पैसों की कमी नहीं सताती है। ग्रहों की चाल के अनुसार जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक कुछ राशियों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। धन की देवी भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी माँ लक्ष्मी को कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होती है उसके जीवन में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। वर्तमान में जो नवग्रहों की स्थिति है और नवग्रहों की स्थिति के अनुसार जो गोचर कुंडली का निर्माण हो रहा है उसके अनुसार माता लक्ष्मी की कृपा किन राशियों पर हो रही है, इस विषय पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। जब लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो व्यक्ति के सारे आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, धन आगमन होता है, संसार के सुख वैभव ऐश्वर्य की उनको प्राप्ति होती है। जब धन रहता है तो मन भी प्रसन्न रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, व्यक्ति को सभी प्रकार से सकारात्मकता की प्राप्ति होती है। और लक्ष्मी जी की आरती में भी कहा है कि जिस घर में तुम रहती तहां सब सदगुण आता, अर्थात जब लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो सब प्रकार से हमारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आने वाले समय में जो ग्रहों की स्थिति है इन स्थितियों के अनुसार जुलाई से लेकर के दिसंबर 2024 तक किन राशियों के लिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत अच्छा रहने वाला है, अर्थात जब आर्थिक रूप से आपका समय अच्छा है अर्थात लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बन रही है तो इन 3 राशियों पर हम चर्चा करते हैं। पहली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों के आय में वृद्धि होगी, जो भी व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उसमें उनको लाभ होगा। यदि नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में भी उनको उन्नति की भी प्राप्ति होगी, वेतन में वृद्धि की प्राप्ति होगी, पारिवारिक सुख की इनको प्राप्ति होगी। दूसरी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों को जो है रुका हुआ धन मिलेगा, अचानक किसी धन की प्राप्ति होगी। जो अविवाहित हैं कर्क राशि के जातक उनके विवाह की बात आगे बढ़ेगी, विवाह उनका तय होगा, विवाह संबंधित शुभ समाचार उनको प्राप्त होगा और करियर व्यापार में भी इनको लाभ होगा। तीसरी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में इनको लाभ होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, धनागमन होगा, धन की प्राप्ति होगी और संतान पक्ष से या संतान से संबंधित किसी शुभ समाचार की इनको प्राप्ति होगी।